राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हम सब की, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों की, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और जो ये चैनल है ना, तो इस चैनल पर थोड़ी सी मुझे राहत मिली है। जो कॉपीराइट आ रहे थे एक एक करके, वो बंद हो रहे हैं। और जो कॉपीराइट वीडियो थी वो मैंने प्राइवेट कर दी है, पहले ही कर दी थी, तो उनको मैं अब नहीं करने वाली हूँ, पब्लिश नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इस पर इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो गूगल के साथ भी ना, मतलब जो होता है ना, स्टाफ होता है यूट्यूब का, उनके साथ भी चैटिंग हुई है। और मैफी करके कोई स्टाफ होगी उनकी, तो उनके साथ बाबू ने चैट करी, तो वो कह रहे थे कि म्यूजिक की ही वजह से आपकी सारी वीडियो पे कॉपीराइट आया, जो मैंने प्राइवेट करी हुई है, और इनका कुछ नहीं हो सकता है। और पूरा उन्होंने चैनल देखा, तो वो कह रहे थे कि कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डरो मत, आप काम करते जाओ आगे को। तो मुझे अब राहत मिल गई है, और इसीलिए मैंने नोट करने के लिए ये वीडियो डाला है। अब से मैं कान पकड़ रही हूँ कि मैं बाहर का कोई भी म्यूजिक, जो कहते हैं ना कि आप डाल सकते हो, या ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो वो म्यूजिक मैं अब बिल्कुल भी नहीं डालू। मैंने कान पकड़ लिए है, बाहर का एक ही म्यूजिक है, वो हमारे गढ़वाल का है, बंसुरी वादन, बंसुरी धुन है ना बाबू, है ना। तो वो भी ना दो तरीके का बनाया हुआ है, एक तो ग्रीन ग्रीन सा बैकग्राउंड आता है उसमें, तो उसमें तो कॉपीराइट नहीं आता है। अगर दूसरा बैकग्राउंड लो तो उस पे आता है ना। हाँ अगर दूसरा बैकग्राउंड से लो और म्यूजिक वही है तो उस पे आता है। वो भी किसी ने ना उनका कॉपी करके शायद बनाया हुआ है अपने नाम से, तो उससे आ जाता है। तो अब मुझे उसका भी पता चल गया है। तो मैं अगर जैसे गाँव की वीडियो भी डालूंगी ना, तो बिल्कुल भी मैं वो वाला म्यूजिक यूज नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ जो बैकग्राउंड वाले से नहीं आती है वही म्यूजिक ऐड करूंगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मेरी बहनों ने भी बोला कि दीदी आप यूट्यूब लाइब्रेरी से ही म्यूजिक डाउनलोड किया करो। और कुछ यूट्यूबरों ने भी बोला है। मैं इतना ज्यादा वो हो गई थी, सैड हो गई थी, पर कहते हैं ना कि रात के बाद सवेरा होता है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, खुशियों ने जीवन में दस्तक दी हुई है, और वो कौन सी खुशियां हैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जब खुशियां आती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो कौन सी खुशियां हैं आप लोगों को ना, एक एक से वीडियो मिलेंगी, अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। और जल्दी ही मैं दोनों चैनल पे, ऐसा नहीं है उसमें भी एडसेंस है, मेरा एडसेंस लिंक है जो रिधिमा राघव ब्लॉग है करके हैं, तो उसमें भी एडसेंस है, मेरा मेन चैनल वही है। और ये चैनल भी मैंने खोला था, श्री केशवी ब्लॉग, तो इसमें भी मैं डालती रहूंगी। मतलब जब भी मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि उस चैनल पे आएगा ये चैनल, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर है ना, दोनों चैनल का लिंक उनके पास है, और सबकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जाती है, सबको जाती है दोनों चैनल की, जिसने सब्सक्राइब कर रखा होगा। और आजकल शादी की शॉपिंग चल रही है, ये छोटा सा वीडियो अपडेट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और अभी अभी आए हैं हम कहीं से, और बड़ा काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी ना शादी की शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है, 2 दिन में, मात्र 2 दिन में मैंने शादी की शॉपिंग खत्म कर दी है। बस थोड़ा बहुत रह गया है, छुटपुट रह गया है। तो 19 तारीख की शादी है, और यहाँ पे ये देखिए शॉपिंग करके ऐसी लाई हूँ। अभी जल्दी ही शेयर करूंगी इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ कि क्या क्या लाई हूँ। तो चलिए बस यही अपडेट देना था कि इस चैनल से ना थोड़ा सा राहत मिला। कहते नहीं कि जब हमने आम का पेड़ लगाया हुआ है ना, उसमें आम ही ना लगने लगे, कुछ लगे और कुछ देर बाद बंद हो जाए ना, तो थोड़ी सी टेंशन तो होती है कि क्या हो गया, ये क्यों नहीं लग रहे। तो वही वाली बात है कि मोनेटाइजेशन मेरा मतलब डगमगा रहा था, और डगमगा क्या, सारे वीडियो पे एक एक करके कॉपीराइट। वैसे तो मनोज डे भैया ने पहले ही बोल दिया था कि जो पुराने म्यूजिक पुराने वीडियो पे होंगे ना, तो उन पे आएगा ही आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से कुछ वीडियो मैंने पहले डिलीट मार दी, और फिर यादगार वीडियो बनाई थी मैंने, मुझे इतना वो मतलब हबड़ा तबड़ी में मैंने फट 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 से सारे डिलीट मार दी। कुछ मैंने प्राइवेट कर रखी है और उनको पब्लिश भी नहीं रहने देना चाहती मैं। जब मेरा मन करेगा तो मैं कर दूंगी और देख लूंगी, क्योंकि छोटे छोटे जब 2-3 साल पहले बनाए थे मैंने, छोटे थे बच्चे थोड़ा सा, तो तब की यादगारी है। और एक एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए यही अपडेट देना था। और बाकी बस शादी का टाइम आ गया है, मेरे देवर जी की शादी है, तो शादी में जाना है हमने गांव।
और जितना भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर पाऊँ हमारे उत्तराखंड के कल्चर में कैसे शादी होती है, हमारे उत्तराखंडी गाँव में कैसे शादी होती है और उत्तराखंड का पूरा कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बना पाऊँ तो, कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। वैसे मिलेगी तो सही है आप लोगों को, उसके बाद मैं आ जाऊँगी मायके। हैं बाबू कह रही है मैं निकाल दूँगी क्लिप, कुछ क्लिप मैं निकाल दूँगी। तो उसके बाद मैं अपने मायके आऊँगी, वहाँ पर भी मेरा काम है कुछ, तो वहाँ की वीडियो भी आप लोगों को। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप गाँव कब जाओगे, कब उसे कब मिलवाओगे, तो कब उसे बहुत जल्दी मिलवाऊँगी मैं आप लोगों को। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, बस बहुत अच्छे अच्छे, आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश। मुझे पता है जो मेरी सारी बहनें यहाँ पर मुझे प्यार करती है ना, वो सब खुश होने वाली है। तो इंस्टाग्राम पे भी मेरी सारी बहनें पूछ रही थी कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या हो गया, आप ठीक हो? तो हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दूसरे चैनल पर भी अपडेट दिया है कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं अब। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद काना बीमार पड़ गया था, और तबीयत खराब में ही आजकल दिवाली की सफाई, साथ साथ में बच्चों के लिए कपड़े लेना, शादी है तो है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए ये भी मैंने निपटा लिया है। और जब खुशियाँ दस्तक देती है ना जीवन में, तो ऑलरेडी आपका जो शरीर है ना, वो शरीर और माइंड आपको स्वस्थ कर देता है ना, चाहे वो बुखार है, बुखार की ऐसी की तैसी कर देता है। और अभी तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, अभी मुझे बाहर जाना है टेलर के पास, वो दीदी बोल रही हैं फ़ोन करके कि आ जाओ, बाबू का एक सूट देना था हल्दी का, तो वो कह रही हैं कि आप दे सकते हैं, पहले उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि कल बताएंगे अगर हमारे पास ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो तो। तो अभी वो बोल रही हैं कि आ जाओ फटाफट से और अपना सूट दे जाओ। तो चलिए मैं अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो के साथ और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।